Good morning students. Today in this video we'll learn about addition and subtraction of fractions with same denominator. Same denominator मतलब जब fractions का denominator same होता है तो उसे हम बोलते हैं like fraction. जब denominator same होता है fractions का तो उसे हम क्या बोलते हैं like fraction. Let's see these three examples. तो आज पहले हम addition पढ़ेंगे. I'm taking here two fractions that are 5/23 प्लस 7/23. दो फ्रैक्शन है यहाँ पे, डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, यहाँ भी 23 है यहाँ भी 23 है. तो ऐसा नहीं कि डिनोमिनेटर को ऐड कर देंगे और न्यूमरेटर को भी ऐड कर देंगे. डिनोमिनेटर यहाँ 23 है और यहाँ भी 23 है. तो आगे स्टेप में क्या होगा, जो डिनोमिनेटर सेम है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आगे स्टेप में भी डिनोमिनेटर वही रह जाएगा. मतलब यहाँ 23 यहाँ भी 23, तो आगे अगले स्टेप में भी हमारा डिनोमिनेटर 23 ही रह जाएगा. ठीक है, और न्यूमरेटर को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे. तो न्यूमरेटर हमारे पास क्या क्या है, 5 और 7. यहाँ पर एडिशन करना है, एडिशन का साइन है मतलब फ्रैक्शन को ऐड करना है. तो डिनोमिनेटर सेम है तो अगले स्टेप में भी डिनोमिनेटर वही रह जाएगा और न्यूमरेटर्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे. तो 5 + 7, 5 + 7 कितना होता है, 5 + 7 इज़ 12. और आंसर में भी हमारा क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर 23. मतलब 5/23 प्लस 7/23 को जब एडिशन किए तो कितना आया, 12/23. सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, 3/11 प्लस 5/11. अगेन वी आर हैविंग टू फ्रैक्शंस और डिनोमिनेटर दोनों में सेम है. फर्स्ट में भी 11 है डिनोमिनेटर और सेकंड में भी 11 है डिनोमिनेटर. तो अगले स्टेप में भी क्या हो जाएगा, हमारा डिनोमिनेटर 11 ही हो जाएगा. ठीक है, ये नहीं कि डिनोमिनेटर को ऐड करेंगे तो ये 11 + 11 22 हो जाएगा. अगर डिनोमिनेटर सेम है तो अगले स्टेप में भी हमारा डिनोमिनेटर क्या होगा, वही रहता है, सेम रहता है. और फ्रैक्शंस को ऐड करना है मतलब न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे. डैट इज़ कितना हो जाएगा, ये 3 + 5, 3 + 5 इज़ 8 एंड डिनोमिनेटर 11. नेक्स्ट एग्जांपल, 5/12 प्लस 2/12. अगेन वी आर हैविंग टू फ्रैक्शंस, डिनोमिनेटर दोनों में सेम है. फर्स्ट में भी 12 है डिनोमिनेटर, सेकंड में भी 12 है डिनोमिनेटर. तो अगले स्टेप में भी क्या हो जाएगा, हमारा डिनोमिनेटर 12 ही हो जाएगा. और दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करना है तो न्यूमरेटर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे. डैट इज़ 5 + 2, तो 5 + 2 इज 7 एंड डिनोमिनेटर हो जाएगा 12. अगेन द नेक्स्ट एग्जाम्पल, 3/11 प्लस 1/11 प्लस 2/11. अब हमारे पास कितने फ्रैक्शंस हैं, 3 फ्रैक्शंस हैं. ठीक है, डिनोमिनेटर तीनों में सेम है. फर्स्ट में भी 11 है डिनोमिनेटर, सेकंड में भी 11 है डिनोमिनेटर, थर्ड वाले में भी 11 है डिनोमिनेटर. तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो अगले स्टेप में भी डिनोमिनेटर क्या रहेगा, वही रहेगा. क्या है डिनोमिनेटर सेम, 11. तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 11. अब न्यूमिनेटर को देखेंगे, सभी फ्रैक्शंस को क्या करना है, ऐड करना है. तो मतलब न्यूमरेटर्स को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे. डैट इज़ 3 + 1 + 2, तो 3 + 1 इज 4 एंड 4 + 2 इज 6. तो न्यूमरेटर हो जाएगा 6 और डिनोमिनेटर 11. नेक्स्ट एग्जांपल, 5/6 प्लस 6/6. अगेन वी आर हैविंग टू फ्रैक्शंस एंड डिनोमिनेटर्स आर सेम. फर्स्ट वाले में भी डिनोमिनेटर क्या है, 6 है, और सेकंड में भी डिनोमिनेटर 6 है. तो नेक्स्ट स्टेप में ही क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर हमारा 6 ही हो जाएगा. और फ्रैक्शंस को ऐड करना है मतलब न्यूमरेटर्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे. डैट इज़ कितना हो जाएगा, ये 5 + 6, 5 + 6 इज 11, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर 6. अब यहाँ देखिए, जो फ्रैक्शन आया है हमारे पास, ये आया है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. तो आप लोग पहले ही पढ़ चुके हो इम्प्रॉपर को मिक्स में करना. तो इसको हम क्या करेंगे, इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे. तो जब मिक्स में करना होता है तो क्या करते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं. दैट इज़ विल डिवाइड 11/6. तो ये वन टाइम में 6 आएगा, सबट्रैक्ट किए तो क्या हुआ, ये रिमाइंडर 5.
और इसको किस पैटर्न में लिखते हैं, क्यू आर टी, दैट इज क्वोशेंट, रिमाइंडर एंड डिवाइजर। तो जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिवाइजर, जो आंसर आता है उसको बोलते हैं क्वोशेंट, और जो बच जाता है हमारा वो है रिमाइंडर। तो हमारे यहाँ डिवाइजर क्या है, 6 है, क्वोशेंट इज 1 एंड रिमाइंडर इज 5। तो इसको इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन को यहाँ पे होल नंबर के पार्ट में लिखते हैं, तो क्वेश्चन हमारा क्या है, 1 है, तो विल राइट ओवर हियर 1, रिमाइंडर इज 5, तो ये जाएगा न्यूमरेटर में, और डिवाइजर कितना है 6, तो ये हो जाएगा डिनोमिनेटर में, डैट इज 11/6 को हम लोग लिख सकते हैं 15/6। दीज वर ऑल अबाउट एडिशन, अब हम लोग जानेंगे सब्ट्रैक्शन। सी द एग्जाम्पल्स, 6/11 माइनस 2/11। यहाँ भी देखिए दो फ्रैक्शन है हमारे पास, दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, और जो डिनोमिनेटर है दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ भी 11 है यहाँ भी 11 है, तो अगले स्टेप में भी क्या हो जाएगा, हमारा डिनोमिनेटर 11 ही हो जाएगा। जब फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करना है मतलब हम लोग न्यूमरेटर को भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज 6 माइनस 2 इज 4 एंड 4 हो जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 11। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज 23/25 माइनस 5/25। टू फ्रैक्शंस है, दोनों के बीच सब्ट्रैक्ट करना है हमें, और डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो अगले स्टेप में भी क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर वही हो जाएगा, 25 है, 25 यहाँ भी है, तो 25 अगले स्टेप में भी हो जाएगा, ठीक है। और न्यूमरेटर को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज 23 माइनस 5, तो 23 माइनस 5 इज 18, तो 18 हो जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 25 ही रह जाएगा। सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, 7/12 माइनस 2/12। दो फ्रैक्शंस है, दोनों के बीच सब्ट्रैक्ट करना है, और दोनों डिनोमिनेटर, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, फर्स्ट में भी 12 है डिनोमिनेटर और सेकंड वाले में भी डिनोमिनेटर 12 ही है, तो अगले स्टेप में भी क्या हो जाएगा, हमारा डिनोमिनेटर 12 ही हो जाएगा, और न्यूमरेटर्स को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि हमें फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 7 माइनस 2 इज 5 एंड डिनोमिनेटर विल बी 12। नेक्स्ट एग्जाम्पल, 13/27 माइनस 9/27। तो फ्रैक्शन है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो अगले स्टेप में भी डिनोमिनेटर वही हो जाएगा, डैट इज 27, एंड न्यूमरेटर्स को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, डैट इज 13 माइनस 9, 13 माइनस 9 इज 4, तो न्यूमरेटर हो जाएगा 4 और डिनोमिनेटर 27। आई होप स्टूडेंट दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस विद सेम डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर जब सेम होता है तो हमारा आंसर भी वही डिनोमिनेटर होता है, और न्यूमरेटर में एडिशन अगर करना है फ्रैक्शन में तो न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे, अगर सब्ट्रैक्शन करना है फ्रैक्शन को तो न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।